What is up guys, Tech Raider back here and basically ये कह सकता हूँ कि ये जो वीडियो आप देख रहे हो एक नॉन स्क्रिप्टेड वीडियो है, कोई भी प्लानिंग नहीं की थी, बट मुझे लगा यार ये हमारी ऑडियंस को बताना ज़रूरी है क्योंकि भाई अभी चल रहा है Flipkart और Amazon पे सेल, Flipkart पे चल रहा है द बिग बिलियन डेज, Amazon पे चल रहा है द ग्रेट इंडियन फेस्टिवल, तो ऐसे में जो है वो डील्स आपको काफ़ी ज़्यादा अच्छी अच्छी मिलने वाली है, बट डिपेंड करता है वो आप पे कि वो डील आपके लिए किस तरीके से, मतलब आपके पास पैसे हैं तो आप खरीद सकते हो, बट अगर आपके पास पैसे हैं तो आप मतलब उसको अगर आपकी नीड नहीं है तो एक तरीके से आपको वो नहीं परचेज़ करना चाहिए। तो अभी मैं जो ये सेल्स की रियलिटी है वो आपके साथ थोड़ी बहुत चीज़ें शेयर करना चाहूँगा, जो एक कह सकते हो कि डार्क रियलिटी है अमेज़ॉन और फ्लिपकार्ट की, जो फ्रंट साइड में जो दिखता है बैक साइड में वैसा चीज़ें नहीं होता है, तो उन चीज़ों के बारे में बात करने वाले हैं। अब बेसिकली अगर आप Amazon और Flipkart पर जाओगे तो कुछ ऐसे गिने चुने प्रोडक्ट होंगे जो भी नए लॉन्च हुए उन पे अच्छी खासी आपको डिस्काउंट मिलेंगे, बट कुछ प्रोडक्ट ऐसे हैं जो बहुत सालों से मतलब पुराने प्रोडक्ट हैं उन पे कुछ ज़्यादा ही डिस्काउंट मिलेगा। जैसे iPhone 11 है, बहुत ही सस्ता हो रखा है, अब iPhone के मामले में अभी जो 13 है उस पे बहुत ही कम डिस्काउंट है, या फिर iPhone 12 पे कम डिस्काउंट है, वो भी पुराना हो चुका है क्योंकि iPhone 14 आ चुका है, तो iPhone 12 अब शायद बहुत ही कम लोग लेते हैं, तब जाके उस पर डिस्काउंट इतना अच्छा खासा मिल रहा है। क्यों मिल रहा है? बिकॉज स्टॉक जो है वो बहुत ही ज़्यादा बच जाता है, तो स्टॉक एक तरीके से ख़त्म करना है तो सेल के ज़रिए यही किया जाता है कि हम लोग प्राइसिंग को डाउन कर देते हैं, जल्दी से जल्दी आईफोन 12 का स्टॉक ख़त्म हो, 11 का स्टॉक ख़त्म हो, तब जाके आईफोन 14 जो है उसको हम लोग सेल कर पाएँ। ये मैं सिर्फ आईफोन्स की बात नहीं कर रहा हूँ, और भी प्रोडक्ट्स हैं, जैसे कि मैं ब्रांड्स के नाम नहीं लेना चाहूँगा, बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं जो एक्चुअली में अभी लॉन्च हुए थे कुछ सालों पहले, बट अभी उन पर प्राइसिंग बहुत ज़्यादा डाउन आ रखा है। क्यों? क्योंकि भाई स्टॉक को ख़त्म करना है, हमें जो कंज्यूमर है उनको जल्दी से जल्दी पहुँचाना है ताकि हमारा जो स्टॉक है वो खाली हो जाए। तो इसमें एक तरीके से कह सकते हो, और एक और चीज़ भाई, सोशल मीडिया तो एक तरीके से अपना इन्फ्लुएंसर बना जा रहा है, अमेज़ॉन और फ्लिपकार्ट को कोई ज़रूरत नहीं है ऐड करने की। अगर वो मान के चलो टीवी पे ऐड ना दिखाएं, अपने किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे वो ऐड ना दिखाएं, तब भी उनके प्रोडक्ट बिकने वाले हैं। क्यों? क्योंकि जितने भी अभी आप दूसरा भी कोई भी दूसरा ट्विटर पे अकाउंट देख लो, कोई भी आप चाहे यूट्यूब पे चले जाओ, इंस्टाग्राम पे चले जाओ, तो आपको हर दूसरा बंदा दिख जाएगा कि भाई वो जो है Amazon और Flipkart के प्रोडक्ट्स की बात कर रहा है कि ये वाला प्रोडक्ट अच्छा है ये ले लो, ये वाला प्रोडक्ट अच्छा है ये ले लो। तो डेफिनेटली आपको प्रोडक्ट लेना चाहिए, जो अच्छी चीज़ है वो आप ले लो, बट आपके नीड के हिसाब से। अगर आपको उस प्रोडक्ट की नीड है तभी परचेज़ करना, वरना भाई पैसे मत वेस्ट करो, बहुत इंपॉर्टेंट होता है मनी, फ्यूचर में क्या पता आपको उससे अच्छी डील मिल जाए। अगर आपको नीड है तो मेक श्योर आप ज़रूर यार बेस्ट टाइम है आप बाय कर सकते हो, बट अगर नीड नहीं है तो मत खरीदो, क्योंकि एक तरीके से सेल का मोटिव ये रहता है कि हमारा जितना भी चीज़ है ना स्टॉक सब ख़त्म कर दें सस्ते प्राइस में। और इससे भाई कंज्यूमर बहुत बार ऐसे होते हैं ना कि भाई जल्दी जल्दी में बहुत बढ़िया डील मिल रही है तो हमने ख़रीद लिया, भले हमारे पास पहले से दो फ़ोन पड़े हुए हैं बट बहुत अच्छी डील है तो हमने एक और फ़ोन ख़रीद लिया, तो वो एक गलत चीज़ है। बिकॉज भाई आपको प्रोडक्ट की जब नीड ही नहीं है तो आपको उसको परचेज़ नहीं करना चाहिए। तो एक ये मेरा मन कर रहा था, मतलब दिल कर रहा था कि मैंने अभी अपने चैनल पे 2-3-4 वीडियो बना रखी है कि ये बढ़िया प्रोडक्ट है, टू द पॉइंट बात करके कि ये प्रोडक्ट अच्छा है आपको इसको परचेज़ करना चाहिए, तो उसके अलावा परचेज़ तो करना चाहिए, बट मुझे ये लगा एक चीज़ बताने के लिए कि भाई अगर आपको नीड है तभी परचेज़ करना, वरना फिर कोई मतलब नहीं है। आप वीडियो देख सकते हो, आप वीडियो पे अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हो, बस हम लोग का यही मोटिव रहता है कि आप तक वीडियो पहुंचाएं, अच्छी डील जो है वो आपको देखने को मिलनी चाहिए। उसमें से कुछ लोग होंगे जिनको ज़रूरत होगी, कुछ लोग होंगे जिनको ज़रूरत नहीं होगी, तो जिनको ज़रूरत नहीं है प्लीज़ वो मत खरीदना, इट्स अ रिक्वेस्ट, एंड अपना पैसा बचा के रखो, बहुत इंपॉर्टेंट होता है, एक एक रुपये अर्निंग करना बहुत मुश्किल होता है। तो बस यही था मेरा, दिल से यही कहना था, एंड होप सो ये वीडियो आप लोगों तक शेयर करो और लोगों तक, ताकि जिनको नीड हो सिर्फ वही परचेज करें। सेल का ये मतलब नहीं है कि कुछ भी सस्ता मिल रहा है तो सब कुछ खरीद लेंगे, ठीक है। एंड मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट रूम में, एंड ज़रूर से शेयर करना अपने दोस्तों के साथ। टिल देन स्टे सेफ, स्टे हैप्पी, कीप वॉचिंग टेक ग्रुप चैनल। जय हिंद, वंदे मातरम।